ऑलराइट, सो क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक और वीडियो लेकर आ गया हूं मैं आप सभी के सामने। और आज की वीडियो में जो सवाल है वो है अरिजीत पाल का। अरिजीत पाल पूछते हैं कि ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 विच वन इज बेटर। माई सिस्टर इज हैविंग अ लॉट टू ब्लैक स्पॉट्स एंड स्कार्स दैट आर परसिस्टिंग फॉर लास्ट वन ईयर। तो इनका ये सवाल है, इनके दो सवाल हैं एक्चुअली, कि पहला ये है कि ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 में से सबसे ज़्यादा कौन अच्छा है, और इनकी जो सिस्टर है इनको एक साल से ऑलमोस्ट जो है ब्लैक स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, स्कार्स हैं, तो सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 में से कौन सी बेस्ट रहेगी स्कार्स के लिए। तो देखिए यार, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो कि लोग फर्स्ट टाइम ये दोनों ही क्रीम्स के नाम पहली बार सुन रहे हैं, कि ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 है क्या। तो ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 दोनों ही जो क्रीम्स हैं वो ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स हैं। ग्लाइकोलिक एसिड जो है आपके शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये एक बहुत ही अच्छा पीलिंग एजेंट आप मान सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी माइल्ड होता है। तो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत ही कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, क्रीम बेस्ड में या सीरम बेस्ड, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप इसको लगा के धूप में जाते हैं तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा जो है ब्लैक बना सकता है। ठीक है, क्योंकि टैनिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते टाइम। वैसे ये आपकी स्किन को अच्छे से पील ऑफ करता है, ये आपकी स्किन की जो अपर लेयर्स हैं जिनके ऊपर डेड स्किन सेल्स हैं, जितनी भी डस्ट एंड डर्ट है उन सबको हटाता है आपकी स्किन से। सो जो लोगों को स्कार्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है स्पेशली, और जिनको बहुत ज़्यादा जो है एक्ने के बाद में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी PIH की प्रॉब्लम है, या आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगने तो मुझे ये दोनों ही क्रीम्स नहीं पसंद है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 दोनों ही जो क्रीम्स हैं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे गए हैं वो बहुत, एक तो ये इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है, दूसरा ये है कि ये बहुत सारे लोगों को जो है सूट नहीं करता है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है और अगर आप ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को थोड़ा बहुत परेशान करता है। कैसे करता है, ये आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस ला सकता है, थोड़े छोटे छोटे बम्प्स हो सकते हैं आपको, तो ये जल्दी से किसी को जो है सूट नहीं करती हैं दोनों ही क्रीम्स। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात करी है कि मैं क्रीम्स का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज क्रीम्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो अगर वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो उनकी जो वर्किंग होगी वो भी बहुत देर में होगी और वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगी। सो हमेशा मैं क्रीम्स के ऊपर जो है सीरम्स को प्रेफर करता हूँ। सो वापस आते हैं इनके सवाल पे कि ग्लाइको 6 और ग्लाइको 12 में से कौन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ग्लाइको 6 के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड 6% है एंड ग्लाइको 12 के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड 12% है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो मेरा आंसर इस सवाल पे ये है कि अगर आपको बहुत ही कम डार्क स्पॉट्स हैं और आपकी स्किन नॉर्मल है, एक्ने प्रोन नहीं है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, तो आप जा सकते हैं ग्लाइको 6 के साथ में। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा आपको पिंपल्स के मार्क हैं आपकी स्किन के ऊपर, और आपकी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत सारे आपको पोर्स हैं, बहुत सारे स्कार्स हैं, तब आप जो है ग्लाइको 12 के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो क्रीम्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने एंड डार्क स्पॉट्स के लिए, और ये आप एक्टिव एक्ने पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नेज अभी भी प्रेजेंट है तो ये दोनों ही क्रीम्स आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है इसके साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ सकते हैं, जो कि है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, आपका फेस का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाना, या छोटे छोटे रैशेज जो कि आपको आपके जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे दोनों ही क्रीम्स काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत टाइम से जो है सजेस्ट करी जा रही हैं डॉक्टर्स के द्वारा भी, लेकिन दोनों ही क्रीम्स की जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी है। सो अगर आपकी सिस्टर यूज़ करना चाहती हैं ये दोनों में से कोई भी क्रीम, तो इसको लगा के धूप में ना जाएं, रात में यूज़ करें, और सबसे अच्छा तरीका है इसको यूज़ करने का एवरी ऑल्टरनेट डे आप यूज़ करें। जैसे कि अगर आप आज यूज़ कर रहे हैं तो कल आपको गैप देना है और अगले दिन आपको यूज़ करना है, तो एवरी ऑल्टरनेट डे यूज़ करना है, यानी कि महीने में अगर 30 दिन हैं तो आपको 15 दिन ही जो है ये ग्लाइको 12 यूज़ करनी है या ग्लाइको 6 यूज़ करनी है।
एवरी डे आप यूज मत कीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपके 7 दिनों में 2 बार आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप 8 बार यूज करेंगे इस क्रीम को पूरे महीने के अंदर। तो यही इसका यूज करने का जो है सही तरीका है। और अगर आप चाहते हैं इफेक्टिव रिजल्ट्स कि हमें क्रीम्स इतना, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन से सफ़र कर रहे हैं और उनको अगर कोई क्रीम बताई जाए तो वो और ज़्यादा ऑयली बना देगी उनके फेस को, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सीरम्स परचेज कर सकते हैं अपने डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। बेस्ट सीरम जो कि आपके डार्क स्पॉट्स एंड आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा वो है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम। सो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेकआउट कीजिएगा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स का, जो कि आपकी स्किन को, आपके डार्क स्पॉट्स को हटाएंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन को भी ऑयली नहीं बनाएंगे। आप यूज़ कर सकते हैं अल्फा आर्बिटिन वाले सीरम्स, आप यूज़ कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसका मैं आपको, आपको जिक्र करूँ तो आपने बहुत ही कम सुना होगा, और अगर सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है, सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है स्किन वाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए और डार्क स्पॉट्स को जो है रिमूव करने के लिए। तो ये सब जो ऑयल्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, सीरम्स के, ऑयल्स के, तो ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को काफ़ी हेल्दी बनाएंगे, ग्लोइंग बनाएंगे, साथ साथ आपके जो प्रॉब्लम है स्पॉट्स की उसको भी जो है ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अरिजीत जी, मैंने आपकी आई थिंक पूरी तरह से आपकी क्वेरी सॉल्व करी है इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है पर्सनली, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके भी जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का जो यूज़र नेम है वो है डिजिटल शुभम, और साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप पे मैंने जो मेरी कंसल्टेशन फ़ी रखी है वो 200 रुपीज़ रखी है, बहुत सारे लोग हैं इसको गलत समझते हैं। देखिए, मेरा स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अलग है एंड कंसल्टेशन चीज़ वाली चीज़ अलग है। कंसल्टेशन का मतलब ये होता है अगर आप मुझसे कुछ गाइड लेना, जैसे सपोज आपको चाहिए कि कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहेगा मेरी स्किन के लिए, या आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो शेयर करनी है आपकी स्किन से रिलेटेड, आपके हेयर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम रहेगा, ओनली एक बार में मेरी आपसे बात होगी। लेकिन जो स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, जो 60 डेज़ का, जो 30-60 डेज़ का जो प्लान है, उसके अंदर ये कोई बैरियर नहीं है, आप मुझसे कितना भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी जो फीस है वो 200 रुपये तो नहीं है, 200 रुपये सिर्फ कंसल्टेशन फ़ी है। तो अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और आप सिर्फ कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप 200 रुपये पे करके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। अब फीस रखने का सिर्फ यही एक मेरा जो रीज़न है वो ये है कि यार बहुत सारे लोग हैं जो फालतू के मैसेज भी कर देते हैं टाइम पास के लिए, तो वो सब चीज़ों के साथ में ये है कि अगर मैं सबका रिप्लाई दूंगा तो एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, दूसरा मैं जिसको भी रिप्लाई नहीं दूंगा फिर वही बात है, लोग चैनल पे आके बोलते हैं कि आप रिप्लाई नहीं देते, आप में एटीट्यूड है ये वो चीज़, तो दैट्स वाई मैंने एक फ़ीस रख दी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो फालतू के जो लोग हैं, वो अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मैं उन्हीं को रिप्लाई देने वाला हूँ जो कि जेन्युइन रहेंगे, ठीक है। तो यही मेरा मोटिव था फीस रखने का। सो आज के वीडियो में मेरे से इतना ही था, इफ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।